अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। आप कह रहे कि आज तो सुबह सुबह ही तुम्हारा जो है व्लॉग बनाने आ गया। जी, मैंने रात को सोचा कि आज मैं सुबह उठूँगी, मूड होंगी, जल्दी से व्लॉग बनाऊँगी, फिर तैयार होंगी, फिर व्लॉग बनाऊँगी और पूरे दिन का अफ्तारी के बाद तक आप व्लॉग बनाएंगे। और मैं आपको पता है मैं ऑफिस से लेट हो रही हूँ, लेकिन मैंने कहा मैंने व्लॉग बनाना है, क्योंकि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग कहते हैं कि आप व्लॉग बनाया करें, तो उनके लिए मैं व्लॉग बनाऊंगी। और अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस से भी लेट हो रही हूँ, तो मैं आपको तैयार होने के बाद मिलती हूँ। ओके, देखा जी, मैं जल्दी से तैयार होकर आ गई। बस मैंने यूँ किया था और यूँ किया और मैं तैयार होकर आ गई। काश ऐसा हमारी रियल लाइफ में भी हो कि हम बस यूँ जाए और चुटकियों में तैयार होकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए। वो सुबह सोकर उठना, फिर चेंज करना, उठा ही नहीं जाता तो चेंज करना तो बड़ी मुश्किल की बात होती है। खैर, मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब जो है मैं गाड़ी का वेट कर रही हूँ। अरे, तो बड़ी धूप आ गई। गाड़ी का वेट कर रही हूँ घर के। गाइस, आई एम स्टिल वेटिंग। खैर, आप लोगों ने बताया नहीं कैसी लग रही, मैंने पूछा ही नहीं। चलिए, आप पूछ रहे हैं कैसी लग रही। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। यार, अभी तक आए नहीं है भाई, इनको कॉल करते हैं। बेल भी नहीं जा रही है। हम वॉक कर लेते हैं। गाड़ी तो पता नहीं कब आएगी, इससे पहले मेरा पूरा फोटो शूट ही हो गया। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप कब तक आएंगे? जी भाई, जरा जल्दी आ जाए। ओके ओके ओके। भाई कह रहे हैं 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो 2 से 3 मिनट क्या करें, आपसे बातें करें, मगर मुझे बातें ही नहीं आ रही करनी। सुबह सुबह उठ के रोजे में बातें नहीं होती, मेरे से बैठ जाते हैं चुप करके, बस ऐसे करके। फाइनली ऑफिस आ चुकी हूँ और बाहर इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि जब मैं ऑफिस आई तो मैं बेहोश हो गई गर्मी की वजह से। मतलब बेहोश से मतलब है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, फिर मेरा हिम्मत नहीं हुई व्लॉग बनाने की। फिर अब मैं फ्रेश हूँ, तब मैंने कहा कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ये बच्चे ही चलाएंगे इस शहर को। ओके, वी आर ऑन योर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सोहराब बरकत हूं और ये मेरी को-होस्ट है। सुबह से ये एक बंदा लाइन अप करने पे लगी हुई नहीं हुआ। थोड़ा सा और बोलूंगा। A few moments later. हेलो, अफ्तारी हमने कर ली है और मैं एक चीज जरूर मेंशन करूं, जब भी रमजान खत्म हो रहा है, जब भी रमजान आता है ना, तो उसके साथ हमारे घर में ना ये चीज तो लाजमी लाजमी होती है, और वो चीज होती है, मैं आपको अभी दिखा, और वो होता है जीतो पाकिस्तान। मतलब ये हम मिस नहीं करते। मैं इस वक्त बैठी भी हूँ अपने घर में ही, जाहिर बात है। और यहाँ पर ना मतलब मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरी कजन्स, मेरी चाची, मेरी बहनें, इन सब ने ईद की शॉपिंग जो है वो कर ली है। आहिस्ता तो बोलो, ईद की शॉपिंग कर ली है? शोर में जा रहे हैं, आवाज़ मेरी इसमें नहीं आएगी। अच्छा, ईद की शॉपिंग कर ली और ये जैसे सब ना अपने ड्रेसेस या ना यहाँ पर सेटिंग करके सब बैठे हुए हैं, और अब मैं आप लोग को उनकी ड्रेसेस दिखाऊँगी। और मैंने ना चलाकी से ये प्लान किया, मैं इनसे कहूँगी कि सब मुझे अपने ड्रेसेस दिखाएं, उसके बाद में जब अपना ईद का ड्रेस लेने जाऊँगी तो इनसे जो है अच्छा ड्रेस लेकर आऊँगी। इस वक्त ये बताऊँ ये क्या कर रहे हैं, ये सब अपने चूड़ियाँ जो है ना इसमें से मैचिंग करके निकालें, और ये चाची बैठी हुई मेरी और सबको मैचिंग की चूड़ियाँ बना के दे। चाचिया ना सबको चूड़ियाँ दे रही हैं, मैं इनको मैचिंग करके दे रही हूँ, लेकिन ये इसके साथ ज्यादा देखो, ये बहुत सूट करेगी। ये ईद की ना मतलब ये इतने एक्साइटेड होते हैं जब ईद आती है, और होना भी चाहिए, हमारा रमजान के बाद अल्लाह का तरफ से गिफ्ट होता है ईद। और आपको ये बताइए, जो चूड़ियों का जो बॉक्स है ना, ये हमारी भाभी ने भिजवाया था। ये एक अगर फजूल इंसान है, एंट्री मारी और पूरा मेरा ब्लॉग खराब किया, और ये डलेगा बेटा, डलेगा सारी की सारी मैचिंग खराब कर दी। मम्मा के लिए कौन सा चाहिए था, ये वाला ठीक रहेगा।
ये ठीक रहेगा और उनके सूट पर ये सूट करेगा और ये मैरून अच्छी लगी आपके साथ भी अच्छा लगेगा। और चाचियां ये आपके सूट के साथ अच्छा लग रहा है ये देख। ओह ये तो फुल मैचिंग हो गई चाचियां। विंटर अराइवल आया नया। क्या विंटर अराइवल है बाजी? विंटर नहीं समर। पश्मीन का काम हुआ। पश्मीन ये कौन सा ब्रांड है? So everyone is enjoying. देखा आपने कितना जो है यहाँ पर पीछे तो हटो। अच्छा ये बस ऐसे होता रहता है पूरा टाइम मेरे घर में ना ये कुछ चलता रहता है क्योंकि हम माई ज्वाइंट फैमिली है तो हम मजा ही मजा करते रहते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा लाइबा मुझे कपड़े दिखाओ तो जल्दी से अपने। और इन लगी चोरियां भी बख्तावर से भी कहते हैं अपना ड्रेस दिखाए। और ये है मेरी अम्मी के कपड़े। वानिया क्या कर रही हो है? मतलब चचन ये क्या अभी क्या हो गया आपको इतना उदासों वाला? हमारे घर में लड़कियां ज्यादा हैं तो इस वजह से हमारे घर में रौनक लगी रहती है। चूड़ियां मेहंदी इनकी कपड़े जूते तो यही लड़कियों से रौनक होती है लड़कों से कोई रौनक नहीं होती। लड़के बोरिंग होते हैं और अब ये ब्लॉग जब देखेंगे लड़के तो मुझे बहुत बातें सुनाएंगे तो बातें ना सुनाएगा आप जिसके रहेंगे। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो आई होप यू लाइक माई ब्लॉग एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी जो चाची है ना बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करती है यहाँ बैठ के चाय पे चाचा सबको कहना मेरा सब्सक्राइब करें कहें आप लोग सब्सक्राइब करें लाइक करें और भरपूर तरीके से शेयर करें प्लीज। ओके बाय बाय। यार बाबा आ रहे हैं जल्दी उठो भागो 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 भागो।